गैंगस्टर एक्ट के आरोपी शराब माफिया सहित दो लोगों की लाखों रुपए की संपत्ति को मंगलवार को पुलिस ने कुर्क कर दिया। आरोपी पर दर्जन भर से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसडीएम डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह और सीओ राजेश कुमार के नेतृत्व में टूंडला और पछोकरा पुलिस टीम शराब माफिया सुखबीर सिंह सुखा निवासी गांव उसाइनी के फिरोजाबाद रोड स्थित हाईवे रेजेंसी स्थित निर्माणाधीन मकान पर पहुंची, जहां डुगडुगी बजाने के बाद एसडीएम और सीओ ने मुनादी कराई। सीओ ने बताया कि आरोपी की 92,875 रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। इसके विरुद्ध विभिन्न थानों में एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व में आरोपी की 1,89,39,000 रुपए की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। वहीं पुलिस ने इसके साथ ही गांव बन्ना निवासी स्वामी शंकर उर्फ सुम्मा की 3,00,000 रुपए की कीमत की संपत्ति को भी कुर्क किया गया। इस तरह पुलिस ने 62,00,000 से अधिक संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही की। इस संपत्ति पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई कोई नहीं करेगा। जय हिंद। माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष लिखित रूप में या मौखिक रूप में जैसे भी आपको उचित लगे आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पहले इस मकान पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो वो अपराध होगा और आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। आप सब अपने राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया जा रहा है, अगर वो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के समक्ष पेश होकर के अपनी आपत्ति जाहिर कर सकता है और अगर इसके बाद इस जमीन पर किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी या कोई भी आदमी ये मकान द्वारा जो कार्रवाई करी गई है दो जगह पे, क्या मामला पूरी तरह पता है? ये जिलाधिकारी महोदय जनपद फिरोजाबाद के यहाँ से गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) जिसके अंतर्गत जो है गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप जो निवारण अधिनियम है उसके अंतर्गत कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर सुखवीर स्वामी शंकर उर्फ सुम्मा पुत्र श्री भरत सिंह निवासी थाना बन्ना की ये आवासीय जो भूमि है ये जब्त कर ली गई है, कुर्क हो गई है और आज से इस पे कुर्क की कार्रवाई करते हुए ये मकान अब आवासीय हो गया है। ये सब कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है। इसके द्वारा आप और कोई भी जगह दूसरी जगह पे भी हाँ कुछ अन्य कार्रवाई भी है जो कि नियमानुसार की जा रही है। अभी आप एक जगह और करके आए वहाँ पे वो भी इसी गैंगस्टर अधिनियम में उसमें कार्रवाई करी गई है। दो जगह कार्रवाई की गई है, किस सब्जेक्ट के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये गैंगस्टर के मुलजिम थे, एक सुखबीर सिंह उर्फ सुखा, दूसरा है स्वामी शंकर उर्फ सुम्मा। तो ये दो अपराधियों के विरुद्ध श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश से इनकी संपत्ति आज 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जा रही है, जिसमें लगभग सुखबीर सिंह उर्फ सुखा की 60,00,000 की संपत्ति है नियर अबाउट, और ये जो स्वामी शंकर है इसकी लगभग 3,00,000 की संपत्ति है। तो 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत ये संपत्ति कुर्क की जा रही है और पूरे मोहल्ले वालों को ये बता दिया गया है, पूरे एरिया को बता दिया गया है कि अगर इस पर किसी को आपत्ति होगी तो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अपनी आपत्ति पेश कर सकता है और इस पर कोई भी एक्टिविटी तब तक नहीं होगी जब तक डीएम सर का आदेश नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।